बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, ग्रेटर नोएडा में जल्द ही देश का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने की तैयारी अब जोरों पर है। जापान की कंपनी एनटीटी इसको लेकर के काम कर रही है। आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर बनाने की तैयारी एनटीटी कंपनी की तरफ से की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला भी ले लिया है। 25 एकड़ भूमि में ये डेटा सेंटर बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में विस्तार होगा, विकास की गति और तेज होगी। आपको बता दें अब से थोड़े समय पहले एक बड़ा फैसला लिया गया था फिल्म सिटी को लेकर के कि नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी, और उसके बाद अब एक और बड़ी उपलब्धि नोएडा को मिलती हुई डेटा सेंटर मिलेगा, जिसके लिए जापान की कंपनी एंटिटी ने 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी भी कर ली है। फैसला लिया जा चुका है जिसके लिए 25 एकड़ की भूमि निर्धारित की गई है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन कुमार जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। नितिन, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, विकास की गति किस तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है नोएडा में वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। पहले फिल्म सिटी को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला और बढ़ती उपलब्धियों के साथ किस तरीके से अब विदेशी कंपनियां भी नोएडा को देख रही हैं, वो एक प्रमाण इसके जरिए से देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि नोएडा को और विस्तार उसमें किया जाए, और उसी को देखते हुए पहले फिल्म सिटी का फैसला वहां पर लिया गया। उसके साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे, जहां वो यूपी दिवस के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और उसके बाद अब एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो प्रदेश सरकार का जो जरूरी डाटा है, इसके साथ बैंकिंग का डाटा, इसके साथ ही जो सोशल प्लेटफॉर्म जो लोग यूज करते हैं उसका जो डाटा है उसको एकत्र करने के लिए एक डाटा सेंटर, जो दूसरा डाटा सेंटर देश का होगा, पहला इंदौर में है और दूसरा डाटा सेंटर जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बसाया जाएगा। और इसको लेकर जापान की एनटीटी कंपनी ने भी कहीं ना कहीं ये हाथ आगे बढ़ा है कि वो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर करना चाहती है। और बताया जा रहा है कि करीब इस सेंटर में 25 एकड़ में ये सेंटर जो है वो बनकर तैयार होगा, और करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जो है इसके लिए बताया गया है। वही सबसे अहम बात यह है कि अडानी ग्रुप ने 10,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करने की बात भी कही है, और इसके लिए जो जमीन है उसकी करीब बताया जा रहा है कि 20 एकड़ की जो भूमि है उसके लिए भी हीरा नंदानी समूह जो है ग्रेटर नोएडा में वो इसको देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है कि जापान की एक कंपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में डाटा सेंटर बनाना चाहती है, जहां पर जो जरूरी डाटा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ, इसके साथ ही जो जितने प्लेटफॉर्म है, जबकि हम बैंकिंग की बात कर ले या रिटेल सेक्टर की बात कर ले या सरकार की बात, तो उनका जो डाटा होगा वो वहां पर एकत्र करके रखा जा सकेगा ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सरकार के यूज में आ सके और उस डाटा को सेव रखा जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। इसके साथ निश्चित तौर पर नोएडा को भी गति मिलेगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत अब हो चुकी है।